नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चारू चौधरी में। मैं चारू चौधरी आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट खास टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ। और ये जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कई सारे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपने सुना होगा सार्क का नाम, सार्क देशों का नाम आपने सुना है। तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको सार्क देश जो है उनके नाम तो याद कराऊंगी ही कराऊंगी, उसके अलावा कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले सार्क किसे कहा जाता है, तो सार्क की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो यह है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। अगर हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये कहा जाता है सार्क को हिंदी में, ठीक है। तो पहली बात तो हो गई साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि इसका जो गठन है वो कब हुआ, कब इसका गठन हुआ, तो ये हुआ है 8 दिसंबर 1985। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि उस समय जब 8 दिसंबर 1985 को इसकी गठन किया गया था, उस समय कितने सदस्य थे सार्क में। तब आपको ध्यान रखना है केवल सात देश थे इसमें, याद रखना है। अभी वर्तमान की बात की जाती है तो इसमें कितने सदस्य हैं, इसमें अभी हैं वर्तमान में 8 देश, ठीक है। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब आठवां देश कौन सा है, आठवां देश है अफगानिस्तान। कौन से सन में जुड़ा है, 2007 में, ठीक है। 1985 में इनका गठन हो गया था, 2007 में अफगानिस्तान को भी सार्क देशों में जोड़ लिया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या था, सार्क देशों का एक जो समूह बनाया, एक संगठन बनाया, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था। तो उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या था, शांति और प्रगति, ठीक है। ये देश जो है किस तरीके से जो दक्षिणी एशियाई क्षेत्र है वहां पर शांति बनाए रख सके, क्योंकि ये क्या है, पूरे विश्व का लगभग 21% जो जनसंख्या है वो इन देशों में रहती है। तो इसका उद्देश्य था प्रगति और शांति। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है सार्क देश कौन कौन से हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। आपको याद रखना है MBBS पीना, ठीक है, मार्कर ही काम नहीं कर रहा है। M फॉर मालदीव, B फॉर बांग्लादेश, फिर B फॉर भारत, S फॉर श्रीलंका, श्रीलंका हो गया, उसके बाद में P से है पाकिस्तान, सॉरी यहाँ पे मैंने B जो है B से भूटान था, इंडिया मैंने अलग से लिखा है, भूटान इंडिया भी है बिल्कुल, परंतु आई से मैंने उसको दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे आई से इंडिया, एन फॉर है नेपाल, और ए से है जो कि मैंने आपको जो बताया है अंत में ही लिखा है, क्योंकि ये बाद में ही जुड़ा है अफगानिस्तान, ठीक है ना। तो यार याद रखना है आपको। अभी आपको मैं बता देती हूँ कि भारत ने आगे होके ये भी कहा था कि कोविड से रिलेटेड उसने फंड को इकट्ठा करने के लिए एक मीटिंग जो है
लाइव मतलब ऑनलाइन मीटिंग जो है वो भी ऑर्गेनाइज करी थी, और उसमें कोविड से रिलेटेड कैसे उसको कम किया जा सकता है, कैसे हम बच सकते हैं, इससे रिलेटेड चर्चा भी हुई थी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है MBBS पीना, M फॉर मालदीव, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल, A फॉर अफगानिस्तान। ये सब जो है, ये सब क्या है, सार्क देशों के नाम हैं। पहले साथ ही थे, जब इसका इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका उद्देश्य जो है वो यही था कि देश में प्रगति हो, शांति बनी रहे, ये इसका उद्देश्य था। और ये सातों देश, ये जो सात देश थे, पहले अफगानिस्तान उस समय नहीं था, बाद में अफगानिस्तान 2007 में जुड़ गया। तो इससे रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल हो। MBBS पीना आपको याद रखना है, यहाँ पे MBBS PINA, बस इतना सा आपको याद रखना है। आपको सभी देशों के नाम तो हैं, वो फटाफट से याद आते जाएंगे, क्योंकि ये दक्षिणी एशियाई देश हैं, तो आपको पता है कि कौन कौन से दक्षिणी एशियाई देश हैं, तो एक हिंट मिल जाती है आपको एक एक लेटर से। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें जो है वो याद रखने में बहुत ही ईजी रहती है। एक बार आप ट्राई करके देखिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता, अगर आप बिना इस वीडियो को जब क्लोज हो जाएगी उसके बाद में आप सोचेंगे, तो आपको आठों नाम जो हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रहने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरीके की ट्रिक्स आपको पसंद आती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और कौन से टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं और सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है तो चारू ऑनलाइन स्टडी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अभी तक अगर चैनल को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।